हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल का नेक्स्ट पार्ट तुहाडे लिए लेके आए और अज की इस वीडियो दे विच आपां करांगे दो होर मॉडल्स शुड एंड मस्ट। होपफुली तुहानू तुहाडे विच बहुत जाणे नू शुड एंड मस्ट का मीनिंग पता होगा, बट फिर भी एक बेशक एक बेसिक टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मोस्ट मॉडल्स दे नाल साडी जिहड़ी लैंग्वेज है बहुत ही ज्यादा पोलाइट एंड वधिया बणदी है। सो अज की इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे शुड एंड मस्ट नू, ते नाल दी नाल देखांगे कि कदों तुसीं इन्हां दोनों मॉडल्स नू यूज कर सकते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ, इन्हां दोनों दे विच की डिफरेंस हैगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपां देख लईए यूजेस कि दोनों नू यूज कदों कीता जाऊगा। सो स्टूडेंट्स, ये जिहड़े दोनों मॉडल्स हैगे यूज कीते जांदे आ व्हेन एवर वी हैव टू गिव एडवाइस टू समवन, जदों असीं किसे नू कोई ना कोई सलाह देनी हुंदी है देन वी यूज शुड एंड मस्ट। नैक्सट, जदों असीं किसे नू ये दसना होवे कि तेरी ड्यूटी की हैगी है, तुहानू की करना चाहिदा आ, दैन अगेन वी हैव टू यूज मॉडल फॉर ड्यूटी। नैक्सट द प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी मीनस की संभावना किसी चीज़ की पॉसीबिलिटी, जदों असीं किसे ना किसे चीज़ की पॉसीबिलिटी की गल करनी है प्रोबेबिलिटी की गल करनी है then again we use these both models and the last one is necessity, it means ki when there is a compulsion, kadon na koi cheez kadon jadon kithe koi na koi cheez zaruri hundi aa assi udon vi jehda hai na dono models nu hi use karde aa। so ek one by one assi jehda use dono da dekhange naal di naal dono ch difference dekhange। first of all apan ida jehda structure dekh liye jis tarah pehla dekhya siga ki model da active sentence de vich same tarah da structure hunda। इतने तुम देख सकते हैं कि सब तो पहला वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट, दैन वी हैव टू यूज एनी ऑफ द मॉडल्स जिहड़ा असीं देखांगे इन्हां विचों भी किहड़ा कदों यूज करना शुड एंड मस्ट नू। उस तों बाद वर्ब दी फस्ट फॉर्म, विदाउट वर्ब दी फस्ट फॉर्म मॉडल इज नथिंग। मैं तुहानूं पहला भी वीडियो दस्सिया सीगा कि मॉडल कदी भी इकल्ला अपना मीनिंग नहीं दे सकदा, इहनूं अपना मीनिंग देण दे लई अपने नाल वर्ब दी फॉर्म लैनी ही पैणी आ। सो इस करके असीं वर्ब दी फॉर्म यूज करांगे, दैन वी हैव टू यूज अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, साडे सामने सेंटेंसेस आ चुके ने। फर्स्ट यूज आपां देखांगे शुड एंड मस्ट दा कि दोनों नू कदों यूज कीता जाऊगा। सो स्टूडेंट, बेसिकली अगर आपां देखिए तो शुड एंड मस्ट दोनों सेम ही ना, दोनों का मीनिंग जिहड़ा तकरीबन जेकर पंजाबी च देखिए तो आपां इहनूं कह दिंदे चाहीदा, बट दोनों चाहीदियां नू दोनों दे विचों किहड़े नू कदों यूज करना यह सानूं देखना पऊगा। एग्जाम्पल के तौर पर असं कुछ सेंटेंसिस भी लए ने, उन्होंने नाल आपां इन्हां नूं समझने की कोशिश करांगे। सो फस्ट जिहड़ा यूज हैगा शुड एंड मस्ट दा वह हैगा कि शुड इज यूज टू गिव एडवाइस टू समवन और समथिंग फॉर समथिंग फॉर रेकमेंडेशन। एग्जाम्पल के तौर पर कि जदों असीं सोचते हाँ कि कोई चीज किसी लिए चंगी है सानू इदा करना चाहिए जो मेरे लिए चंगी है, मीनस कि एक आइडिया है मेरे को, मैं एक सलाह देनी चाहता हाँ कि तेनू इस तरीके करने के लिए इदा करना चाहिए। सो ये मेरा आइडिया हैगा, तुसी इहनू यूज करना ज नहीं करना वो तुहाडी एक अपनी चॉइस है। इट मीनस की है कि आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस, मैं जस्ट तुहानू सलाह दे रहा हाँ, ये जरूरी नहीं हैगी ये कोई इहनू यूज करना चाहे तो यह अगले बंदे दे उत्ते डिपेंड करता हुंदा। सो दैन वी हैव टू यूज शुड वैन एवर वी हैव टू गिव आर परसनल ओपीनियन अबाउट समथिंग, जदों असीं अपना परसनल ओपीनियन देना है किसी चीज़ के बारे वो जिहड़ा तुहानू लगता किसी लिए जरूरी हो सकता, दैन वी हैव टू यूज शुड। सो इस तरीके दे नाल आपां शुड नूं देखांगे। दूसरे पासे साडे कोल हैगा मस्ट, मस्ट नूं कदों यूज कीता जांदा, मस्ट नूं स्टूडेंट्स आपां उदों यूज करदे हां जदों असीं आपां इह कहिणा होवे कि इह चीज़ तुहाडे लई जरूरी आ, मीनस कि इत्थे सिर्फ मैं सलाह दे रहा, हो सकदा तुहानूं उह चीज़ जरूरी ना लगी होवे बट मेरे ओपीनियन दे विच उह चीज़ जरूरी होवे। बट मस्ट नूं आपां कदों यूज करना, जदों देयर इज़ अ नेसेसिटी एंड कंपल्शन, मीनस कि इस चीज़ की जरूरत आ ये चीज इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, दैन वी हैव टू यूज मस्ट। दोनों सेम तरीके नाल यूज होणगे बट मॉडल दी समझ आऊगी तो तुहानूं दोनों दे विच डिफरेंस जिहड़ा क्लीयर हो जाऊगा। हुण आपां एग्जाम्पल दे नाल इस चीज़ नूं समझदे हां। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स तुसीं सेंटेंस देख सकते हैं शुड दा, यू शुड रीच यूर स्कूल ऑन टाइम। हुण इहदा मीनस की हो गया कि तुहानूं अपने स्कूल टाइम सिर पहुंचना चाहिए है। मैं अपनी सलाह दे रहा, सो आप हर एक बच्चे भी सलाह दें कि तुम अपने क्लास के अपने स्कूल के टाइम सिर पहुंचना चाहिए है, बट यही गल जेकर आप मस्ट के नाल कहे तो दैन फिर आप कहे फिर इतने मस्ट लग जूगा, सेंटेंस का स्टूडेंट सेम ही रहना है बट की होगा कि ये जी नेसेसिटी आजगी कंपल्शन आजगी तो दैन असं अंडरसटैंड कर सकते हैं कि एक्चुअल के सेंटेंस ज्यादा सुटेबल आ और सिचुएशन के सू वरतना चाहिए है। जनरली गल करांगे तो आप कहांगे कि यू शुड रीच योर स्कूल ऑन टाइम, तुहानूं अपने स्कूल टाइम सिर पहुंचना चाहिए, बट जो आप कंपल्शन की गल करांगे कि ये चीज़ जरूरी है एंड डेफिनेटली यू नो वी हैव टू रीच द स्कूल
ऑन टाइम सानू स्कूल टाइम सिर पहुंचना ही चाहिदा, इट मीनस कि नेसेसिटी है। देन वी हैव टू यूज मस्ट, यू मस्ट रीच योर स्कूल ऑन टाइम। सो उदो आपां इहनूं जिहड़ा आ करांगे, मैं इत्थे यू आर यूज नहीं कीता गा बट आपां उहनूं समझ सकदे हां। सो नैक्सट एग्जाम्पल, गवर्नमेंट्स should not charge bus fare from students, sarkar nu students de kolon kiraya nahi lena chahida। so this is just my idea, ki ye mera ek idea hai, main apna sujhav de reha ha ki sarkar nu jehda hai students de kolon kiraya nahi lena chahida hega। but hun dekho jithe aap chalaunde ha, par ehi cheez agar aap must ne dekhi ta apan kahange ki governments must take action against environment polluters, jehde log environment nu pollute karde ha, dushit karde ha, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। You should read newspaper every day to improve your reading skills. So it means kya ki jadon tusi apni reading skills nu improve karna chahunde ho te main tuhanu as a teacher ek example de sakda, ek salah de sakda ki tuhanu har roz akhbar padhni chahidi hai jekar tusi apni reading skills nu improve karna chahunde ho। So eh meri ek salah hai, ho sakda kise student nu eh cheez vadhiya na lagge, ohda oh kise hor tarike naal improve kar reha hove। So I am just giving my advice। सो इत्थे मस्ट भी लग सकता है, मस्ट मैं क्यों जदों लगाऊंगा उदों मीनस कि नेसेसिटी जरूरी हो जूगी, ये चीज भी इदां ही करना चाहिए। सो इधरले पासे चिल्ड्रन मस्ट इनवॉल्व इन स्पोर्ट्स एट एन अर्ली एज, बच्चियां नूं छोटी एज दे विच ही स्पोर्ट्स दे विच इनवॉल्व होना चाहिए। डू यू थिंक इट इज इंपोर्टेंट? डेफिनेटली वी सी दैट इट इज नेसेसिटी, इट इज इंपोर्टेंट, ये हर एक बच्चे की जरूरत जरूरी हुंदा ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਐਂਡ ਮਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਡ ਐਂਡ ਮਸਟ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਊਗੀ। ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਸਮਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਨ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਸਮਵੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਮਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਔਰ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਲੱਗ ਜੂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਮਨ ਪੱਕਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਵਧ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਔਰ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਮਸਟ ਔਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਲੱਗ ਆ।
ऑफिस दे विच अगर मैं बैठा नहीं होऊंगा तो जिहड़ा भी बंदा उत्थे आऊगा उन्हूं यही लगेगा कि मैं जिहड़ा कित्थे होऊंगा क्लासरूम दे विच होऊंगा। सो प्रोबेबिलिटी आ, संभावना आ, एक्सपैक्ट किया जाता कि इस तरीके नाल होगी। सो शुड, शुड कदों लगेगा जदों वैसे ही सोचता कि वह होना चाहिए है। मस्ट मान लो सवेर का टाइम आ तो डेफिनेटली चांसिस आ कि मैं क्लासरूम दे विच ही होऊंगा। सो उत्थे फिर आपां की कहांगे मस्ट दे नाल सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि टीचर मस्ट बी इन द क्लासरूम, कि टीचर जिहड़ा क्लास विच होना चाहिए है, जां फिर शुड दे नाल भी इस सेंटेंस नूं आपां बना सकते हैं। होप आ कि स्टूडेंट तुहानूं समझ लग रहा होगा एक्सपैक्टेशन एंड प्रोबेबिलिटी दे लई कदों आपां शुड एंड मस्ट नूं यूज करते हैं। दैन द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर शुड बी इन माई रूम, किताब जिहड़ी तुसीं लभ रहे हां वह मेरे रूम विच होनी चाहिए आ। इट मीनस क्या कि मैं एक्सपैक्ट करदा कि ये मैं बुक जिहड़ी आ अपने रूम दे विच ही रखी सीगी और उत्थे ही होनी चाहिए आ। सो अगेन स्टूडेंट इत्थे भी उही सेंटेंस का मीनिंग आ कि जिहड़ी चीज़ तुसीं लभ रहे हां वह चीज़ रूम च होनी चाहिए आ बिकॉज आई एक्सपैक्ट। तो इत्थे जेकर मैं मस्ट लगा दूंगा तो इट मीनस कि मैं श्योरली कह रहा कि यह पक्का उत्थे ही होनी चाहिए आ, कितें इधर उधर देख लो हैगी मेरे रूम दे विच। सो स्टूडेंट होप है कि तुहानूं नैक्सट यूज भी जिहड़ा शुड एंड मस्ट का क्लीयर हो गया होगा। सो ये बेसिक स्टूडेंट्स ये यूज जो आप शुड एंड मस्ट को लेके करते हैं। कुछ क एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम आप एग्जाम्पल्स के नाल तुहानूं होर थोड़ी प्रैक्टिस हो जूगी। एंड स्टूडेंट अगर तुसीं इन्हां चीज़ों को सीखना है मॉडल्स नूं ते तुहानूं आपनूं प्रैक्टिस करनी पैनी है। बड़े ईजी सेंटेंस आ, सिंपल सेंटेंस आ, सबजैक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म। जिहड़े बंदे नूं तुसीं सलाह दे रहे हो उन्हें इत्थे आ जाना है कि यू शुड डू दैट, आई शुड रीड एवरी डे, यू शुड वॉच माई वीडियोज, यू मस्ट वॉच माई वीडियोज, तुहानूं पक्का मेरी वीडियोज देखनी चाहिए सो दैट यू कुड लर्न इंग्लिश, तां कि तुसीं इंग्लिश सीख सको। सो यू मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे, तुहानूं हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए है। इस तरीके ने आप एग्जाम्पल्स कुछ होर देखते हैं तो दैन फिर आप एग्जाम्पल्स नाल तुसीं इहनूं अगेन समझण की कोशिश कर। एग्जाम्पल्स अगेन तुहाडे सामने हम तुसीं पढ़ के थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो नूं रोक के एग्जाम्पल्स नूं एक बार आप पढ़ लिओ तो देखियो कित्थे आपां किहड़ी चीज़ नूं क्यों यूज़ कीता होया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, अगर तुसीं अपनी इंग्लिश नूं इंप्रूव करना चाहुंदे हो तो तुहानूं हर रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए आ। इट मीनस कि ये जिहड़ी चीज़ हैगी मैं क्यों यूज़ करदा पिया, इस नूं मैं यूज़ करदा पिया एज ए एडवाइस, कि मेरी तुहानूं इह सलाह है कि तुहानूं हर रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए है। नैक्सट यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। सो इतने स्टूडेंट्स की हो गई है, इतने हो गई है नसैसिटी मीनस की कंपलशन कि तुहानू ड्राइव करते समय अपना मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, एक कंपलशन आ, ये साढ़े लिए जरूरी आ, ये सलाह नहीं हैगी। सो इस करके इतने आप मस्ट नू यूज किया हुआ। नैक्सट एग्जाम्पल चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी गिवन मोबाइल एट एन अर्ली एज, डू यू थिंक इट इज़ ए एडवाइस और की हैगा एडवाइस है जां जरूरी है। सो ये तुसीं मैनूं कमेंट करके दस सकते हैं जां आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वीडियो रोक के कि बच्चों नूं छोटी एज दे विच मोबाइल नहीं देना चाहिए। इस तरीके नाल आपां कह सकते हैं दोनों हो सकती हैं, सलाह भी हो सकती है, आपां कंपल्शन भी कह सकते हैं जदों आपां उसे गल नूं फोर्सफुली कहना होवे। दैन यू शुड टर्न द लाइट ऑफ वैन यू लीव योर रूम, ये मेरी सलाह होगी तुहानूं कि जदों भी तुसीं अपने रूम दे विच्चों बाहर जाने हैं तो तुहानूं लाइट ऑफ करनी चाहिए है ताकि असीं एनर्जी नूं सेव कर सकीए। अगेन वी मस्ट रिस्पैक्ट आर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पैक्ट आर एल्डर्स, सानूं अपने एल्डर्स की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। सो मस्ट इत्थे मीनस क्या, मैं गल नूं फोर्सफुली कह रहा एम्फेसाइज करके कह रहा। स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, बच्चों नूं अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए है। सो ये भी ईजी सेंटेंस है, तुसीं समझ सकते हैं। प्लेयर्स मस्ट फॉलो दियर कोचेस, प्लेयर्स नूं अपने कोच नूं फॉलो करना चाहिए है, सलाह आ जां कंपलशन आ, ऑब्वियसली कंपलशन आ, अदरवाइज दे कैन नॉट बिकम गुड प्लेयर्स, जेकर वह अपने कोच नूं फॉलो नहीं करनगे तो वह चंगे प्लेयर नहीं बन सकनगे। दैन द लास्ट सेंटेंस आ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ स्टूडेंट्स तुहाडे लई, यू ऑल मस्ट वॉच माई वीडियोज एंड लाइक दैम, तुहानू सारिआं नूं मेरिया वीडियोज देखनिया चाहीदियां हन ते उहनां नूं लाइक करना चाहीदा है। सो दिस इज नॉट एन एडवाइस, इट इज कंपलशन। इफ यू लाइक माई वीडियो, अगर तुहानू मेरी वीडियो चंगी लगे तो तुहाडे लई कंपलशन आ कि यू मस्ट लाइक इट बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, मैं तुहाडे लई इन्नी मेहनत कर रहा। सो ये वीडियो तुहाडी लाइक करनी भी बनती है एंड सबसक्राइब करना भी चैनल नूं बनता। सो स्टूडेंट्स ये सीगे यूजेस शुड एंड मस्ट दे, एंड एक कुछ एग्जाम्पल्स सीगियां।
प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं पता लग्या तो तुम मैं वट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा तो क्लीयर किया जाऊगा। सो फाइनली इहदा एक स्टूडेंट नैगेटिव एंड इंटरोगेटिव जरूर देख लो कि जेकर सानू ना दे विच सेंटेंस बनाना पवे जां क्वेश्चन पूछना पवे फिर आप किस तरीके दे नाल करना है। सो स्टूडेंट्स ये हैगा इहदा नैगेटिव एंड इंटरोगेटिव यूज। नैगेटिव दे विच असीं दोनों शुड एंड मस्ट नूं यूज करांगे एंड उस दे नाल जिहड़ा नॉट लगा के बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नैगेटिव आप कदों यूज करने, वैन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट नो, जदों असीं किसी चीज़ नूं ना कहना हुंदा कि यू शुड और मस्ट नॉट यूज ड्रग्स, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਐਂਡ ਮਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਰੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਡਲ ਸ਼ੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਗੋ, ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਗੇਨ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਰਗੈਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।